राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिलाओं के पाक कला के हुनर को निखारने एवं इस पाक कला के जरिए बाहर निकलकर अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से निगम मुख्यालय में स्वल्पाहार काउंटर खोलने इजाजत दे दी है, जिसके तहत 2 काउंटर संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास करता रहा है और महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें सामूहिक रूप से बैंक से कर्ज दिलाकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तत्पर रहता है। अब शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन एक नई पहल करते हुए महिलाओं के अंदर छुपी पाक कला को प्रदर्शित करने एवं उसके माध्यम से उनकी आय बढ़ाने के लिए पहल की है, जिसके तहत निगम भिलाई मुख्यालय के भीतर स्वल्पाहार के 2 काउंटर प्रारंभ किए गए हैं। इसमें स्व सहायता समूह की बहनें अपनी पाक कला को प्रदर्शित कर अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं और निगम आय ग्राहक भी गर्मा गर्म स्वल्पाहार पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्वल्पाहार के इस काउंटर की जानकारी शहरी राष्ट्रीय आजीविका मिशन की अधिकारी ने ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को दी है। जी, हमारे यहाँ तो वैसे बहुत सारे स्व सहायता समूह है और हर समूह कुछ न कुछ उत्पाद बनाते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए और कुछ वो अपना हुनर दिखा सकें, इसके लिए समय समय पर हम लोग कुछ व्यवस्था करते रहते हैं। तो हर समूह को हर जगह तो हम लोग उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जगह, इस वजह से समय समय पर जैसे लगाया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंप 1 की 2 समूहों का भी हमने जगह दिलवाई है, ताकि ये लोग जो विभिन्न तरह के जो पकवान बनाते हैं ये सब बना करके यहाँ के जो भी लोग हैं इन लोगों को भी दे सके और अपना हुनर भी, और इनको खुद में एक लगता है कि हाँ हम उत्साहित होकर के बाहर के प्लेटफॉर्म्स में भी काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय घर की स्थिति से निकल के बाहर बाजार में भी हम उतने ही अच्छे से बिक्री कर सकते हैं। यहाँ आके उनको एक मंच मिलता है कि हाँ वो ये देख सके प्राथमिक रूप से कि हम आय कितनी बढ़ा सकते हैं और इसमें और क्या क्या इजाफा कर सकते हैं, जो हमें सुधार की आवश्यकता है, कैसे हम लोगों को उनकी मांगों को समझ के उसके हिसाब से, जैसे प्रथम दिन में इन लोग लगाए थे कुछ 1-2 सामान वैरायटी लेकर के आए थे, उसके बाद उन्होंने देखा लोगों ने और मांग की कि हमें ये वाला नाश्ता भी चाहिए है, ये कुछ देसी नाश्ता बना रहे हैं, बड़ा वगैरह देख रहे हैं इन लोग, इडली वगैरह बना रहे हैं, तो जैसे जैसे लोगों की मांग आई, मांग आधारित उन्होंने अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए सोच आई, विचार आई और देख सके, तो इस तरीके से इन छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से ये समझ पाते हैं कि हाँ बाहर ग्राहकों के और क्या क्या डिमांड है, उसके हिसाब से लोग उत्पाद अपने बढ़ाएंगे और आगे अब दूसरे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे तो और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। निगम भिलाई क्षेत्र की महिलाएं अब किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने इन महिलाओं को एक लक्ष्य दे दिया है, जिसकी तरफ बढ़ते हुए महिलाएं सशक्त बनती जा रही हैं और अपनी आय में वृद्धि करके अपने परिवार में बराबर का सहयोग दे पा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।